एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में और ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो, और इसमें हम हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछे गए थे पीसीएस 2018 के प्रीलिम्स में। ओके, सो साइंस के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, हिस्ट्री और कल्चर के अब करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं अगले सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। एंड नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो जिसमें हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देख लेते हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्जन ऑफ रॉक्स इज अ मास्टरपीस ऑफ विच पेंटर। और ऑप्शंस दिए गए थे ए माइकलएंजेलो, बी राफेल, सी लियोनार्डो द विंसी या फिर डी टाइटन। सो वर्जन ऑफ रॉक्स जो है किस पेंटर का काम है, चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी, दैट इज लियोनार्डो द विंसी। सो वर्जन ऑफ रॉक्स जो है दो पेंटिंग्स है लियोनार्डो द विंसी जो कि सिमिलर सब्जेक्ट पे बनाई गई है, तो इन पेंटिंग्स को नाम दिया गया वर्जिन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी, दैट इज लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पेनी पोस्ट का आइडिया इनमें से किसने दिया था। और ऑप्शंस आपको मिले थे ए रॉलेंड हिल, बी मैक एडम, सी जॉर्ज स्टीफेंसन और डी सैमुअल मोर्स। तो इनमें से किसने पेनी पोस्ट का आइडिया दिया था फॉर फास्ट एंड चीप कम्युनिकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, यानी कि रॉलेंड हिल का ये आइडिया था जो पेनी पोस्ट का आइडिया। और इस सिस्टम में जो एक पेनी लगती थी, एक पेनी के चार्ज पे लेटर्स को जो है कैरी किया जाता था, लेटर्स को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता था। एंड दिस वाज चीप एंड फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। और ये अडॉप्ट किया गया था यूके में इन 1840 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉलेंड हिल, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था रॉलेंड हिल। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1775 वेयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉट व्हेन 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स मेट द कॉलोनियल मिलिटिया। ओके, सो बेसिकली इसमें यही पूछा गया है कि पहले जो बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन वो कहाँ पर हुई थी इन 1775 जब अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए बॉस्टन, बी लेक्सिंगटन, सी जेम्स टाउन या फिर डी ट्रेंटन। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहली बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन कहां हुई थी, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी जो कि है लेक्सिंगटन। सो द बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉन्कॉर्ड से जो शुरुआत होती है अमेरिकन रेवोल्यूशन की, और ये बैटल जो है ये अप्रैल 1775 में जो है इनकी शुरुआत होती है, इस दिन इनकी शुरुआत होती है और इन्हीं के साथ शुरुआत होती है अमेरिकन रेवोल्यूशन की। ओके, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी जो कि है लेक्सिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चलिए, जो क्वेश्चन था वो ये था कि हु रोट डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे वोल्टायर, बी जीन जैक्स रूसो, सी मॉन्टेस्क्यू या फिर डी लॉकी। तो इनमें से जो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, चलिए देख लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन सी जो कि है जीन जैक्स रूसो। और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी लिखी गई थी 1754 में, एक कॉम्पिटिशन था ऑन द सेम सब्जेक्ट, और इसको जो है सेकेंड डिस्कोर्स भी बोला जाता है, एंड इट वॉज द वर्क ऑफ जीन जैक्स रूसो। ओके, सो ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो होता करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्लादिमीर इलियच उल्यानोव जो है इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, कौन सी हिस्टोरिकल फिगर का जो रियल नेम है ये। एंड द आंसर्स आर जो ऑप्शंस हैं वो है ए स्टालिन, बी लेनिन, सी केरेंस्काय या फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज दी लियोन ट्रॉस्काय। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये किसका नाम है, चलिए देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी दैट इज लेनिन। सो इतना जो बड़ा नाम है व्लादिमीर इलियच उल्यानोव जो है ये लेनिन का नाम है, एंड लेनिन जो है रशियन रेवोल्यूशन का जो है पार्ट है। ओके, जब हम रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं तब हम लेनिन के बारे में पढ़ते हैं। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और इस रेवोल्यूशन में यानी कि 1917 में जो सेंचुरी पुराना इंपीरियल रूल था वो खत्म हो गया था, और जो लेनिन की पार्टी है उसका रूल शुरू हो गया था, यानी कि जो लेनिन है वो एक कम्युनिस्ट लीडर बन गया था इन रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए था ऑप्शन बी दैट इज लेनिन। अगला
क्वेश्चन देख लेते हैं अब चलिए। सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट एंड लिटोस्क वाज पीस ट्रीटी साइन बिटवीन विच कंट्रीज। तो ये जो ट्रीटी का नाम दिया गया है इनमें से कौन सी कंट्रीज के बीच ये साइन हुई थी। तो ऑप्शन जो है वो दिए गए रशिया एंड द सेंट्रल पावर्स, बी जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स, सी टर्की एंड द अलाइड पावर्स, या फिर डी बुल्गेरिया एंड द अलाइड पावर्स। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था चलिए देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए जो कि रशिया एंड द सेंट्रल पावर्स। तो ये जो पीस ट्रीटी है ये साइन की गई थी 3 मार्च 1918 को रशियन गवर्नमेंट और जो सेंट्रल पावर्स है, सेंट्रल पावर्स का पार्ट है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर। तो इन दोनों पार्टीज के बीच जो ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी और इस ट्रीटी के साथ रशिया की पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर वन में खत्म हो जाती है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो होना चाहिए था ऑप्शन ए जो कि है रशिया एंड द सेंट्रल पावर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब चलिए। So the next question is, name the Germans who were forced to append their signature on Treaty of Versailles. Okay, so very important treaty, Treaty of Versailles, इनमें से जर्मनी के बिहाफ पे किस किसने साइन किया था, किस किस सिग्नेचर्स हैं, वही बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए म्यूलर एंड बेल, बी लुडविक एंड मैक्स, सी फ्रिट्ज एंड फेलिक्स ग्राफ, या फिर डी गुंथर एंड हरमन। ओके, सो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए था चलिए देख लेते हैं, जिन्होंने जर्मनी के बिहाफ पे ट्रिटी ऑफ वर्सेलिस पे साइन किए थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि म्यूलर एंड बेल। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है ये वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने की ट्रीटी है, यानी कि इट इज अ पीस ट्रीटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, सो जर्मनी को फोर्स कैसे किया गया था, क्योंकि जर्मनी को इस ट्रीटी का क्लॉज 231 जिसको द वॉर गिल्ट क्लॉज भी बोला जाता है वो बिल्कुल पसंद नहीं था एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू साइन दिस ट्रीटी, क्योंकि इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो भी वॉर में लॉस या डैमेज हुआ था उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जर्मनी को दे दिया गया था। ओके, बट फिर जर्मनी को साइन क्यों करनी पड़ी ये ट्रीटी, वो इसलिए साइन करनी पड़ी क्योंकि दूसरी जो पावर्स थी जो जर्मनी के अगेंस्ट थी उनका कह रहा था कि वॉर को हम दोबारा से शुरू कर देंगे अगर जर्मनी ये ट्रीटी साइन नहीं करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो ये ट्रीटी को साइन किया गया था 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 में, और जो जर्मनी के बिहाफ पे जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था वो थे फॉरेन मिनिस्टर म्यूलर एंड कॉलोनियल मिनिस्टर बेल। ओके, सो म्यूलर एंड बेल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था। एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वाज साइंड ऑन 28 जून 1919। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेशन बारबरोसा इज अ कोड नेम फॉर इन्वेजन इन विच कंट्री। सो ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में पूछा गया है कि किस कंट्री पे अटैक करने के लिए ये ऑपरेशन चालू हुआ था, ये किस कंट्री पे अटैक करने का कोड नेम है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, या फिर डी USSR यानी कि जो सोवियत यूनियन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चलिए देख लेते हैं। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि सोवियत यूनियन यानी कि USSR। सो ऑपरेशन बारबरोसा जो है ये जर्मनी का ऑपरेशन था, जर्मनी ने जो अटैक करने का प्लान किया था ऑन सोवियत यूनियन और इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा था ऑपरेशन बारबरोसा। और ये अटैक जो जर्मनी ने किया था 22 जून 1941 जबकि वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज USSR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब चलिए। क्वेश्चन इज हड़प्पा सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस आर ए स्टीयटाइट, बी रेड सैंडस्टोन, सी टेराकोटा एंड डी आइवरी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स थी वो किस चीज से बनी हुई थी चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए यानी कि स्टीयटाइट जो है इसका करेक्ट आंसर है एंड मोस्ट ऑफ द सील्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो स्टीयटाइट से ही बनी होती थी। और सील्स के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़े तो उनकी ज़्यादातर शेप रेक्टेंगुलर होती थी एंड इन पे जो है कुछ स्क्रिप्ट लिखी होती थी जिसको आज तक डी कोड नहीं किया जा सका, उसका मतलब नहीं पता किया जा सके। बट जो वो स्क्रिप्ट है उसको खरोस्ती स्क्रिप्ट बोलते हैं और वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ओके, और कुछ एनिमल्स भी इस पे जो है पिक्चर्ड हैं इन सील्स पे, जैसे कि राइनोसेरोस, टाइगर, एलिफेंट, यूनिकॉर्न, हम्ड बुल। ओके, सो जो सील्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दे वर मेड अप ऑफ स्टीयटाइट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप चलिए।
So the next question is, the leader of Jan gun was known as, so it is one of those questions jinka answer kafi difficult sources se mila hai, okay? And the options are A. Ganapati, B. Ganadhar, C. Ganaraj, ya fir D. Ganak. So inme se correct answer kya hona chahiye tha? Chaliye dekh lete hain iska correct answer. So option B yani ki Ganadhar jo hai iska correct answer hoga. So sang ke bare mein humne suna hai, Buddhist and Jain sangs ke sang jo hote the unke bare mein to sabhi ne suna hai. In jo Jain sangs hote the inko further groups mein banta गया था और उनको गन बोला जाता था और हर एक गन का जो लीडर होता था वो होता था गनधार. ओके, सो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था. और जो गन का लीडर होता है, जैन गन का लीडर होता है, उसको गनधार बोला जाता है. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इब्न बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंगड टू विच कंट्री. सो इब्न बतूता, ये एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस ट्रेवलर है इब्न बतूता, और वो किस कंट्री से बिलोंग करता था. एंड द ऑप्शंस आर ए इजिप्ट, बी ग्रीक, सी फ्रांस, डी मोरक्को. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था डी यानी कि मोरक्को. सो इब्न बतूता जो है एक मुस्लिम ट्रेवलर है, ही वाज अ मुस्लिम मोरक्कन स्कॉलर एंड एक्सप्लोरर जिसने पूरी दुनिया घूमी थी और अपने ये जो ट्रेवल एक्सपीरियंसेस है उसको एक बुक में पब्लिश किया था. इट वाज नोन एज रेहला. ओके, सो इब्न बतूता इंडिया में जो इब्न बतूता ने ट्रेवल किया था, वो ट्रेवल किया था ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ओके, एंड ही बिलोंगड टू मोरक्को. सो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होता. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अब चलिए, सो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हु वाज द पर्सन अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस. तो इसका भी आंसर काफी डिफिकल्टी से मिला था और इसके ऑप्शंस जो दिए गए थे वो थे ए तुसापा, जी जस्टिन, सी प्लूटार्क, या फिर डी सुनासिपा. ओके, सो प्लीज पार्डन माय प्रोनंसिएशन, बट मैं इसका करेक्ट आंसर आपको जरूर बताऊंगी. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ऑप्शन ए यानी कि तुसापा. ठीक है, सो तुसापा को जो है अशोका ने अपॉइंट किया था टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ हिज टेरिटरी. ओके, सो करेक्ट आंसर जो होना था वो था ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप. चलिए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुंवर सिंह वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो कुंवर सिंह ने 1857 यानी कि 1857 के जो रिवोल्ट थे उसमें से इनमें से कौन से एरिया को जो है या कौन सी टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया था. एंड द ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, या फिर जो डी है बंगाल. तो कुंवर जो सिंह है वो किस रीजन को लीड कर रहे थे, चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि बिहार. सो बाबू वीर कुंवर सिंह इनका पूरा नाम था और इन्होंने ये जो रिवोल्ट थी 1857 में इस रिवोल्ट में लीड किया था बिहार रीजन को, प्रेजेंट डे बिहार रीजन को, जो उस टाइम पे उसको जगदीशपुर बोला जाता था. ओके, सो ही वॉज रॉयल क्षत्रिय हाउस ऑफ जगदीशपुर जो कि आज के बिहार में प्रेजेंट है, प्रेजेंट डे बिहार की भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी जो कि है बिहार. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दस्तक सिस्टम विच वॉज अडॉप्टेड बाई ब्रिटिश इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर एक्सपेंशन वॉज रिलेटेड टू. दस्तक जो सिस्टम है वो किस चीज़ से रिलेटेड था इनमें से. एंड द ऑप्शंस आर ए मिलिट्री पावर्स, बी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सी अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, या फिर लास्ट ऑप्शन ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं. सो ऑप्शन डी यानी कि ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था. जो दस्तक वर्ड है वो एक पर्शियन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है पास. तो दस्तक सिस्टम में पास या परमिट दिए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ड्यूटी फ्री या कस्टम फ्री ट्रेड कर सकती है. और इसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, जो बंगाल रीजन का नवाब था वो था मीर जाफर. ओके, सो इसके जो बाद यानी कि सक्सेसर जो है मीर जाफर का यानी कि मीर कासिम ने जब इस सिस्टम को डिसकंटिन्यू करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो परमिट्स दिए जाते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कंपनी दिए जाते थे, बट जो प्राइवेट मर्चेंट्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये परमिट्स यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डेफिसिट, काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू में घाटा हम कह सकते हैं, डेफिसिट जो हम कह सकते हैं, वो हो रहा था जो बंगाल की गवर्नमेंट थी उस टाइम की, यानी कि जो नेक्स्ट नवाब है मीर कासिम ने जब डिसकंटिन्यू करने की कोशिश की तो जो ओवरथ्रू कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम को इन 1763-64, और इसके बाद बंगाल रीजन का पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया. तो दस्तक सिस्टम ये जो है ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशन से रिलेटेड जो दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इन द 18th सेंचुरी बंगाल. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम. चलिए,
And the next question is, who among the following was a reformer and philosopher from Ramanandi Sampradaya in the lineage of Jagat Guru Ramanandacharya? Okay, so is question ka correct answer kya hona chahiye? Pehle options dekh rahe hain. A option hai Ramananda, B Valmiki, C Tukaram, ya fir D Tulsidas. And the correct answer to this question is option D, yani ki Tulsidas jo hai iska correct answer hona chahiye. To Tulsidas ek bahut hi renowned saint hai and he is famous for being the author of एपिक रामचरितमानस. तो रामचरितमानस में श्री राम की स्टोरी लिखी है, भगवान श्री राम की स्टोरी लिखी गई लिखी है और ये जो लिटरेरी वर्क है ये है तुलसीदास जी का. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी, यानी कि तुलसीदास. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था. And the next question is, story of Vidhe Madhav is narrated in the story of Vidhe Madhav. Vidhe Madhav ki story mein se kaun si literary work ka part? And the options are A Atharvaved, B Ajurved, C Chandogya Upanishad, ya fir D Samved. Chaliye dekh lete hain iska correct answer kya hona chahiye. Story of Vidhe Madhav kiska part hai? And the correct answer is option B, yani ki Ajurved. So Vidhe Madhav story hai king named Vidhe Madhav ki. So Vidhe Madhav ek king hai jinhone he founded the kingdom named Vidhya. Okay, Vidhe हम बोल सकते हैं इसको, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सतपद ब्राह्मण ऑफ यजुर्वेद. ऑप्शन बी यानी कि यजुर्वेद जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेटेड टू एग्रेरियन सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर और हमें बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, और स्टेटमेंट्स, पहली जो स्टेटमेंट है वो अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज टैक्सेस कॉल्ड चराई एंड घड़ी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगेन. और सेकेंड स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोज एडिशनल सेसेस कॉल्ड अबवाब्स ऑन द पीजेंट्स. थर्ड स्टेटमेंट है अंडर अकबर दहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू एग्जिस्टेड. और फोर्थ स्टेटमेंट है जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड नस्क सिस्टम ऑफ असेसमेंट. तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो टैक्सेस और असेसमेंट्स लागू किए गए थे अलग अलग जो एम्प्रेस थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, उनकी स्टेटमेंट्स हैं. और इनमें से कौन सा जो करेक्ट है वो हम देख लेते हैं. पहले ऑप्शन देख लेते हैं एंड दी ऑप्शन आर की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर लास्ट स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 या फिर ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है या फिर ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 एंड 3. सो जो लास्ट स्टेटमेंट है कि जो नस्क सिस्टम है वो जहांगीर ने इम्पोज किया था, ये जो है ये गलत सिस्टम है, ये गलत स्टेटमेंट है, सॉरी, ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द टाइम्स ऑफ अकबर. सो अकबर के रेन में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. So the next question is, who among the following was a French explorer who visited the court of Emperor Shah Jahan and left detailed account of Takht-e-Tauz, यानी कि पीकॉक थ्रोन. तो फेमस पीकॉक थ्रोन के बारे में किस एक्सप्लोरर ने, किस फ्रेंच एक्सप्लोरर ने लिखा था जिसने विजिट की थी शाहजहां के कोर्ट को. ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए जीन बैप्टिस्ट वर्नियर, बी गैरोनिमो वेरोनी, सी पियरी जीन या फिर डी जीन पॉल डुबॉइस. ओके, सो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं किस ट्रेवलर ने विजिट किया था, किस ट्रेवलर ने विजिट किया था शाहजहां एम्परर की कोर्ट को. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि टेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो इसका करेक्ट आंसर होगा. एंड ही वाज अ फ्रेंच ट्रेवलर जो कि इंडिया में ट्रेवल किया, जिसने इंडिया में ट्रेवल किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाहजहां. और फेमस पीकॉक थ्रोन जो कि मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही जो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है, उसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट लिखा था टेवर्नियर ने. ओके, सो करेक्ट आंसर इज जीन बैप्टिस्ट स्टेट वर्नियर. ओके, अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या था. And the next question is, which of the following was popularly known as firebrand of South India? आएगा यहाँ पर, तो firebrand of South India किसको बोला जाता है. The options are A राधाकृष्णन, B E V रामास्वामी नायकर, C कस्तूरी रंग अयंगर या फिर D S सत्यमूर्ति. तो इनमें से firebrand of South India किसको बोला जाता है. And the correct answer is option D, यानी कि S सत्यमूर्ति को बोला जाता है firebrand of South India. So S सत्यमूर्ति जो है ये फेमस पॉलिटिशियन है इंडिपेंडेंस के टाइम के, जो फेमस पॉलिटिशियन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है इनकी इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकरे. और इसी के साथ जो इसी की वजह से, यानी कि इन जो पार्टिसिपेशन है इन प्रोटेस्ट की वजह से इनको जेल भी हुई थी 1942 और इनकी डेथ हो गई थी 1943 28 मार्च 1943 ड्यू टू हार्ट फेलियर. ओके, सो फेमस जो
पॉलिटिशियन है, इंडियन एक्टिविस्ट है, इंडिपेंडेंस के टाइम के एस सत्यमूर्ति, और इनको बोला जाता है फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। And the question is, which of the following Punjabi writers have been awarded prestigious Gyan Peeth Award? तो कौन से Punjabi writers को Gyan Peeth Award मिला? And the options are, चार option है correct हमें बताना है। First है गुरदयाल सिंह, second अमृता प्रीतम, C सुरजीत पात्र, या फिर जो fourth option है वो है जसवंत कमल। ओके, तो इनमें से किन को Gyan Peeth Award मिला है वो हमें बताना है। और हमारे options है कि 1, 2 and 3 यानी कि गुरदयाल सिंह, अमृता प्रीतम और सुरजीत पात्र को मिला है। सेकंड ऑप्शन है कि अमृता प्रीतम और सुरजीत पात्र को मिला है। थर्ड ऑप्शन है गुरदयाल सिंह और अमृता प्रीतम को मिला, या फिर लास्ट ऑप्शन है यानी कि डी, इन चारों के चारों जो पंजाबी राइटर्स को एक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था चलिए देख लेते हैं। सो ऑप्शन सी यानी कि 1 and 2 यानी कि अमृता प्रीतम और गुरदयाल सिंह को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। अमृता प्रीतम को मिला 1981 में कागज़ थे कैनवस जो उनका लिटरेरी वर्क था उसकी वजह से उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, और गुरदयाल सिंह को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 1999। ओके, सो ऑप्शन सी यानी कि 1 and 2 ओनली अमृता प्रीतम एंड गुरदयाल सिंह को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में गुरु गोविंद सिंह जी की लिखी हुई बहुत फेमस दो लाइनें लिखी गई थी, और हमें बताना था कि दीज लाइन्स वर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। ओके, और ऑप्शन हमें दिए गए थे ए चंडी दीवार, बी जफरनामा, सी बचित्र नाटक है, या फिर डी जाप साहिब। ओके, तो मैं इन्हें प्रोनाउंस नहीं करूँगी क्योंकि मैं ज़रूर गलत प्रोनाउंस कर दूंगी और वो मैं चाहती नहीं हूँ। ओके, और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए था चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जफरनामा। तो दिस वर्स वॉज अ पार्ट ऑफ जफरनामा रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं चलिए। सो अगला क्वेश्चन है एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया। तो ये जो लाइंस लिखी थी ये लिखी थी गुरु नानक देव जी ने। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी की जो लाइन है ये गुरु नानक देव जी ने किसके अटैक के बाद लिखी थी, कि किसने इंडिया पे अटैक किया था जब गुरु नानक देव जी ने ये लाइंस लिखी थी। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए हुमायूं, बी बाबर, सी गजनी, डी अहमद शाह अब्दाली। तो किसके अटैक के टाइम पे गुरु नानक देव जी ने ये लाइंस लिखी है चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि ये पार्ट है बाबर बानी का, इसमें बाबर आएगा अकेला। तो गुरु नानक देव जी का जो वर्क बाबर बानी है उसके पार्ट है ये जो लाइन हमने देखी अभी क्वेश्चन में। और जो इस बाबर बानी में क्या लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने बाबर बानी में, बाबर ने जो इंडिया पे अटैक किया था तो उस टाइम पे कैसी कैजुअलिटी हुई थी और कैसे डैमेज कॉज किया था बाबर ने, उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने बाबर बानी में लिखा है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी यानी कि बाबर के अटैक के टाइम गुरु नानक देव जी ने ये लाइन लिखी थी। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू एडुस्क्वाड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।